बूथ से लेकर मंडल अध्यक्ष से सीधे और बात पर करते हुए उनमें बिहार जीतने की चुनौती के लिए साहस बढ़ाया। आगामी बिहार चुनाव को सामने रखते हुए कहा कि झारखंड दिल्ली के बाद अगर बिहार हारे तो हम अपनी विचारधारा से हार जाएंगे। भाजपा की नीतियों को सामने रखा और कहा कि अभी इस गति को 10 वर्ष तक और कम करना और आगे ले जाना है, माफ करिएगा, और काम करना है, आगे ले जाना है। तभी दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के विचारधारा के भारत बना सकेंगे और भारत विश्व गुरु बन सकेगा। भाजपा को सबसे अधिक विचारों वाली पार्टी, राष्ट्रवादी विचार रखने वाली पार्टी, विकास के लिए काम करती रहने वाली पार्टी बताया। कहा कि अब अगर चुनाव हारते तो तय है पार्टी नहीं हारती, बल्कि पार्टी कार्यकर्ता हारते हैं, क्योंकि वे पार्टी के कार्य योजना को आम लोगों के बीच ठीक प्रकार में रखने में चूक जाते हैं। मीडिया से बात करते हुए कहा कि भाजपा आरक्षण का समर्थन ही नहीं, संरक्षण भी है। साफ तौर पर कहा कि कोई भी माई का लाल भारत से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के लिए आरक्षण को खत्म नहीं कर सकता। आरक्षण को लेकर, मंडल कमीशन को लागू करने को लेकर अटल बिहारी वाजपेयी ने भी समर्थन दिया था। इस मुद्दे को लेकर किसी भी भ्रम में लोग के नहीं रहने की बात करते हुए विपक्ष को किसी मंच पर उसको लेकर बात करने की चुनौती दी। कार्यकर्ताओं ने जोश भरते हुए कहा कि बिहार की राजनीति की दिशा देश का मूड माना जाता है, इसलिए सूत्र और अवसर को ढूंढ जनता एक पार्टी की पहुंच का एहसास कराना बहुत ही जरूरी है। कार्यक्रम में पहुंचने से पूर्व अमनौर विधायक शत्रुघ्न तिवारी उर्फ चौकर बाबा अपने समर्थकों के साथ अमनौर वैष्णो धाम मंदिर के पास सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय को फूल मालाओं से स्वागत किया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय का मढ़ौरा जिला कार्य समिति बैठक में आने के दौरान मढ़ौरा भाजपा नेता नागेंद्र राय ने नौतन में भव्य स्वागत किया। सैकड़ों बाइक सवार कार्यकर्ता के साथ बाइक चलाते नौतन पहुंचे नागेंद्र राय ने अपने मंत्री के पहुंचने पर जिंदाबाद के नारे लगाए और फूल माला पहना कर भव्य ढंग से स्वागत किया। बाद में मंत्री के आगे आगे चलते हुए नारे लगाते समारोह स्थल तक पहुंचे। बैठक की अध्यक्षता भाजपा जिला अध्यक्ष रामदयाल शर्मा ने, मंच संचालन राजेश ओझा ने किया, जबकि धन्यवाद ज्ञापन स्थानीय भाजपा नेता मनोज कुमार सिंह ने दिया। बैठक शुरू होने से पहले गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, विधायक डॉक्टर सी एन गुप्ता, कार्यक्रम आयोजनकर्ता व भाजपा नेता मनोज कुमार सिंह अपने समेत अन्य पार्टी पदाधिकारियों ने डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय के तैल चित्र पर माल्यार्पण के बाद दीप प्रज्वलित कर कार्य समिति की बैठक का शुभारंभ किया। सर मनोज भैया इधर सर बोलते जाइए उस आरक्षण पर भी हमेशा संकट की तलवार लटकी रहती थी या किसी समय लटक जाती, इसको अपने प्रधानमंत्री जी ने पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करके पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को अमर बना दिए, अमर बना दिए। दुनिया में कोई माई का लाल जब तक भारतीय जनता पार्टी है और जब तक भारतीय जनता पार्टी के नेता है और कार्यकर्ता है, जब तक है, जब तक मोदी है और जब तक मोदी के चौकीदारों की जिंदगी है, तब तक कोई माई का लाल पिछड़े के आरक्षण को समाप्त नहीं कर सकता है। तीसरा, कर्पूरी ठाकुर जी जब यहां आरक्षण बिहार में लागू कर रहे थे, कल उनकी पुण्यतिथि थी, तो पिछड़ों के आरक्षण के साथ साथ अपनी भावना को उन्होंने भी उद्धृत किया था कि
अग्नि जाति के भी गरीबों को आरक्षण मिलना चाहिए। विवाद, वैमनस्यता और हमेशा कोर्ट का चक्कर और सड़क का चक्कर, कभी आंदोलन तो कभी उपद्रव, कभी अफवाह, लगातार इससे घिरा हुआ वातावरण को समाप्त करने के लिए और पिछड़ों के, दलितों के आरक्षण को और मजबूत करने के लिए कि कोई सवाल खड़ा नहीं हो और सामाजिक न्याय समता मूलक समाज और उस गरीब को जिसकी सेवा का प्रण भारतीय जनता पार्टी का है, अग्रि जाति के भी 10% भाइयों बहनों को नरेंद्र मोदी जी ने आरक्षण दिया। ये हमारी आरक्षण की नीति है, यह हमारी सोच है और यह विशेषता है। इसलिए कोई माई का लाल आरक्षण को समाप्त नहीं कर सकता है। वैसे लोगों को जो आरक्षण पर विवाद खड़ा करने वाले यहाँ जो लोग हैं, आरजेडी के नेता लोग, विपक्ष के नेता, मैं उनको सारण की धरती पर, बड़ी पवित्र धरती है, वीरों की धरती है, इस धरती पर हम उनको चुनौती दे रहे हैं कि आरक्षण की नीति पर जहां मंच कहिएगा मैं मंच सजा दूंगा, आप आइए और जनता के सामने बहस के लिए भारत के गृह राज्य मंत्री मोदी का चकदार, भारतीय जनता पार्टी के निवर्तमान अध्यक्ष आपको चुनौती देता है। हम इस चुनौती को आप स्वीकार कीजिए हिम्मत है तो, लेकिन न झूठ बोलिए नहीं गुमराह कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।